यहाँ पे कम ही व्हीकल्स आते हैं, तो आप थोड़ा बहुत खींच सकते हैं। हेलो जुले दशरथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तंजिन शॉन व्लॉग्स। और मैं अभी काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी था मैं, और मतलब मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा तो बना नहीं पा रहा था फॉर एक्स वाई जेड रीजंस, और मैं ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं लेना चाहूँगा। तो पर मैंने सोचा यार आज तो कुछ ना कुछ करके हम मतलब वीडियो बना ही देंगे, तो इसलिए मतलब अभी मैं थका हुआ हूँ, नींद भी है, बट आई एम लाइक ब्रो लेट्स डू इट, क्योंकि अभी समर सीजन भी आ गया है एंड राइडिंग सीजन भी आ गया है, तो उसके लिए अब अपना पूरा मतलब वापस सेटअप को स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट, तो अपना हेलमेट है सब कुछ मेरे पास, वायर्स जो गुम हो गया था वो सब कुछ भी मिल गया है। तो अभी बिल्कुल आपको दिखाता हूँ कि मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसा रहता है बाइकिंग का। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मैं कैसा करता हूँ अपना बाइक में, और मुझे लगता है कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं अपना गोप्रो में मतलब गोप्रो हीरो 11 यूज़ करता हूँ, तो आपको पूरा सेटअप दिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने अपना हेलमेट में मतलब एक टेम्परेरी सेटअप किया था, बट लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे टेप वेप चुकाया था तो यहाँ पे टेप का थोड़ा बहुत निशान है, तो उसको मैं साफ़ करना चाहूँगा पहले, क्योंकि अभी यहाँ पे है चांस तो कर देते साफ। तो सबसे पहले इसमें है पानी, तो पानी मारेंगे इसके ऊपर, फिर इसको साफ करते हैं। एक कपड़ा है मेरे पास टेप था वो निकल गया है, थोड़ा सा बचा है, उसको हम क्या करेंगे सैनिटाइजर से निकालने की कोशिश करते हैं। पूरा एकदम नया हो चुका है ये हेलमेट, तो अब टिश्यू से थोड़ा बहुत साफ कर देता हूँ इसको। तो हमारा हेलमेट रेडी हो चुका है, तो अभी हमारा हेलमेट साफ होकर पूरा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका जो माइक सेटअप करते हैं, तो उसका लेफ्ट साइड में माइक के लिए ऑलरेडी एक स्पॉट है, तो ये हेलमेट का जो ये पूरा रिमूवेबल है इसको मैंने निकाल के एक बार धोया भी था, तो वो है। तो इस हेलमेट का जो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, तो मेरा हेलमेट है उसमें यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है जो यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, तो दिस इज़ फॉर द माइक, नॉट माइक, माइक के लिए, माइक या फिर म्यूज़िक सुनने के लिए है, जब अगर आप ब्लूटूथ का कुछ डिवाइस यूज़ करोगे तो। केबल हमारे इसके अंदर रखा है मैंने माइक, तो ये एक बस वो ये 100 रुपये का एक माइक आता है नॉर्मल लैब माइक बोलते थे, आई गेस लैब माइक कहते हैं इसे। वायर मैंने अच्छे से रख दिया वहाँ पे, सिक्योर करने के लिए विल यूज़ डबल टेप सो दैट इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। हम बहुत थोड़ा सा टेप यूज़ करने वाले, इतना बस इसीलिए कि जो माइक का वायर्स है मैं पोजीशन में है, तो इधर मैंने माइक को रख दिया है, केबल को यहाँ पे आ गया, जो मेन माइक यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं 3M टेप से चिपका देता हूँ, यहाँ पे मेरे अंदर से कुछ इस तरह सेटअप किया है, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है केबल को अरेंज, फिर एक 3M का टेप यहाँ लगाया हमने माइक के लिए, एंड जो एक एक्स्ट्रा वायर है जो ये है 3.5 mm का, इसको मैंने बाहर निकाला है जो GoPro पे अटैच हो जाता है। तो दिस इज़ द सेटअप इनसाइड, तो इसको मैं वापस पैक कर देता हूँ इससे, ओके। तो अभी इसको हम वापस लगा देते हैं, सबसे पहले जो इसका ये बकल है ये इसके अंदर से निकलेगा, यहाँ पे जो है 3 टिच बटन्स हैं, इसको हम वहाँ पर अटैच कर देंगे जो इसका मेल फीमेल पार्ट्स काउंटर पार्ट्स है। सबसे पहले हम इसको टॉप वाले के साथ अटैच करते हैं, यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, फिर ये वाला जाएगा सेकेंड वाला जो यहाँ पर है, सो
तो दोस्तों हमने इसका जो अंदर का सेटअप कर दिया है, अब बाहर से हमने गोप्रो का सेटअप करना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक ये गोप्रो का जो ये होल्ड करता है, तो ये मैंने लिया था क्योंकि ये मैं किसी भी हेलमेट में लगा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिया था, वरना एमसिल से भी आप बना सकते हैं। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इसके लिए, तो वो हमने लगा लिया है। और इसको आपको मतलब एसिमेट्रिक रखना पड़ता है, बिल्कुल बीच में मत लगाना। इसको मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मेरे पास ये गोप्रो है, पहले मैं इसको बिल्कुल बीच में रखता था, जैसे अभी ऑलमोस्ट बीच में सेंटर पे ही है। तो इससे क्या रहता है कि जब मैं कैमरा यहाँ पर डालता हूँ ना, तो ये कैमरा इधर रहता है, देखो इस साइड थोड़ा राइट साइड रहता है, तो इससे क्या रहता है कि मतलब आपको मतलब सिमेट्री नहीं रहता है। तो उसके लिए आप जो इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखोगे ना, तब कैमरा इधर आएगा आपको, इफ़ यू तब कैमरा आपका बीच में आएगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप इधर इधर थोड़ा लेफ्ट रखता हूँ मैं, हल्का सा इसको थोड़ा सा लूज़ करके पीछे से आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह आप देख सकते हो, थोड़ा सा लेफ्ट पे ही है बट कैमरा फिर बीच में सेंटर पे आता है मेरा। तो ये आपको एक छोटा सा टिप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा एक जे माउंट का, गोप्रो का जे माउंट भी लग गया है। अब हमको क्या चाहिए, गोप्रो को यहाँ पे लगाना है बस उतना ही। एंड आपको मतलब पूरा सेटअप दिखाता हूँ मैं। उन सबसे इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा केबल आता है जो TRS केबल बोलते हैं इसको, जो 3mm से TRS को हो जाता है कनेक्ट, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। तो ये क्या है कि गोप्रो में हम नॉर्मल माइक नहीं लगा सकते, कैमरा माइक लगा सकते हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो इसका रिंग दो रहता है और जो नॉर्मल हमारा माइक का रिंग है, तीन रिंग रहता है इसमें, ठीक है ना, बट गोप्रो में जाता है दो रिंग। तो जो दो रिंग वाला है उसको आपको गोप्रो में लगाना पड़ेगा पहले इस तरह। ओके, बैटरी नहीं है इसमें, बैटरी डाल के मिलता हूँ आपसे। तो अब हमारे गोप्रो का सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, माइक काम करेगा बिल्कुल, आपका एंगल भी बिल्कुल सही आएगा, बट फिर भी जो ये चीज़ है जो डैंगल करता है ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, टेप से यहाँ पे इसको सा परमानेंटली चिपका देंगे। तो इसको हम टेप से यहाँ पे चिपका देंगे और इसको हम नहीं चिपकाएंगे क्योंकि इसको हम निकाल सकते हैं, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। गाइस हमारा हेलमेट का जो सेटअप है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये बिल्कुल सॉलिड है। यहाँ पे 3M टेप चिपकाया मैंने एंड इसके ऊपर एक वाइट टेप भी चिपका दिया मैंने। तो इस तरह मेरा मोटर ब्लॉगिंग सेटअप रहेगा एंड इसको मैं अभी टेस्ट करूँगा कल सुबह, और टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा फुटेज भी कैसा है। तो आप वो फुटेज देखते हैं, उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करता है इस वीडियो को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर ब्लॉगिंग सेटअप एंड होप कि आपको ऑडियो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प आ रहा होगा। और मैं अभी हम टेस्ट करने वाले हैं कि मतलब कैसा चल रहा है, एंगल पूरा परफेक्ट है कि नहीं, तो ये घर जाके पता चलेगा। तो वो है, तो मैं अभी मुझे थोड़ा बाहर में काम था तो वो काम करने आया था मैं, काम हो चुका है तो अब छोटा सा एक राइड के लिए जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं, फिर आपको बढ़िया वाला रोड पर लेके चलता हूँ। यार ये गाना बैठ गया दिमाग में। काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ का रोड बिल्कुल मक्खन है, बिल्कुल मक्खन रोड है। अरे यार, इतना मस्त वीडियो बनाया था मैंने अभी तक, पूरा व्लॉग ख़त्म भी कर दिया था मैंने और रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब पता नहीं गोप्रो खुद ही बंद हो चुका था, हीटिंग इशू हुआ कि क्या हुआ पता नहीं। मेरा आइडिया हीटिंग इशू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया था, बट क्या बोलूँ यार, दिल से बुरा लगता दोस्तों। आप पूरा इतना मेहनत से मतलब इतना सब कुछ बोला मैंने फ्लो में, अब वापस कैसे बोलूँगा मुझे पता नहीं यार, क्योंकि आई एम नॉट अ स्क्रिप्ट, मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ ना, जो फीलिंग आता है वो मैं बताता हूँ ब्लॉग में, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे, बट कोई नहीं, फिर से हम करते हैं शुरू। तो अब यहाँ पे मतलब रास्ता काफ़ी बढ़िया है,
इस रास्ते पर इंजॉय करते हैं। यहाँ पे कम ही व्हीकल्स आते हैं तो आप थोड़ा बहुत खींच सकते हैं। तो वो है दोस्तों, नज़ारे मस्त हैं, रोड मस्त है, तो कोई अपसेट नहीं करते हैं, हम वापस वीडियो बना लेंगे राइट। एज लॉन्ग एज बैटरी है तो टेंशन की बात नहीं यार, वीडियो तो कितना भी बना लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अभी मतलब मैं काफ़ी बिजी चल रहा था घर के काम से, और अभी पापा भी थोड़े दिन में आने वाले हैं, तो जैसे पापा आएगा तो थोड़ा सा आपका भाई फ्री हो जाएगा, और जैसे आपका भाई फ्री होगा तो मैं एक लॉन्ग टूर मारने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इस बाइक को मतलब मैंने ज़्यादा लॉन्ग टूर पर नहीं लेके गया हूँ वापस बहुत टाइम से, तो लॉन्ग टूर पर लेके जाने का है। और यहाँ पर काफ़ी भी आपको डेंजर रहता है, ये जो ये पेड़ से गिरता है ना, इसमें अगर आप ब्रेक मारोगे आहा, मतलब मक्खन का जैसा जाएगा आपका गाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्पीड मारना है, कहाँ पे स्लो करना है, ये सब आपको एक्सपीरियंस करा दिया जाएगा। तो मेरा बाइक का ब्रेक काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है, तो उसके हिसाब से मैं बाइक चलाता हूँ। तो मुझे पता है कि कितना स्पीड तक मैं सेफ्टी में चला सकता हूँ बाइक, तो अपने एबिलिटीज के अंदर चलाने चाहिए कभी भी। तो वो है कि मैं कभी भी बोलता हूँ दोस्तों सेफ्टी के साथ चलाओ, है ना, तो वो है सेफ्टी इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी। इन्जॉयमेंट भी है बट सेफ्टी भी होनी चाहिए। ऐसा बीच में गाड़ी कभी नहीं रोकना भाई, करना क्या चाहते हो भाई, व्हाट डू यू वांट टू डू ब्रो। लुक एट दिस ब्यूटीफुल माउंटेन्स, यही तो भाई, यही रीज़न है मुझे हिमाचल बहुत पसंद है दोस्तों। आई लव माई होम टाउन फॉर दिस वेरी रीज़न। आई होप कि इस बार भगवान प्लीज रिकॉर्ड कर रहा हो, ये दिल से बुरा लगेगा दोस्तों, दिल से बुरा लगेगा यस रिकॉर्ड कर रहा है। और मैंने अपना बाइक को भी धोना है आज, तो मैं बाद में धोऊंगा। तो दोस्तों अभी हवा बहुत आ रहा है यहाँ पे, आई होप कि आपको मेरा आवाज़ फिर भी सुनाई दे रहा होगा। मेरा जो ग्लास भी ओपन है, जो हेलमेट का ग्लास ओपन है, तो देखते हैं कि आपका आवाज़ कैसा आ रहा होगा हाई स्पीड में थोड़ा विथ एयर। तो वो है तो, और दोस्तों अगर तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि वापस सेम रास्ता आने वाला है, और वापस ट्रैफिक में जाऊँगा मैं। तो यहाँ तक आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर न्यू, और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है मतलब मेरे सेटअप के इस वीडियो के ऊपर GoPro का सेटअप के लिए, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। और अगर आपको कुछ भी चीज़ लेना है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो कुछ मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं भी आपको हेल्प करना चाहता हूँ अपने जो कम्युनिटी को। तो वो है क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे वीडियोस देखता था, काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद मतलब मैं हर वीडियो से कुछ कुछ चीज़ सीख के अपना सेटअप बनाया हूँ। तो मतलब किसी से माइक का सेटअप मैंने लिया है, किसी से मैंने मतलब GoPro का जो माउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद मैं ये सेटअप में एक आया हूँ, आइडियल सेटअप जो मैं बोलता हूँ। बट ये कितना अभी आइडियल है तो मैं जब वीडियो देखूँगा तब पता चलेगा। आई होप कि अच्छा है विथ माई एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, एंड वी विल एंड इट राइट नाउ। सो आई सी यू गाइस लेटर, टिल देन अडियोस अमिगोस, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम।